इंसान को अगर कोई चीज़ लायक बनाती है तो वो है उसकी प्रतिभा। उसकी प्रतिभा ही उसकी पहचान बन जाती है। कोई जन्म से ही प्रतिभाशाली होता है तो कोई वो अपने आप में विकसित कर लेता है। कुछ लोगों में मौजूद प्रतिभा इतनी अलग होती है जो उन्हें असाधारण इंसान बना देती है, और ऐसे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्तियों को दुनिया सलाम करती है। आज हम ऐसे ही 3 असाधारण प्रतिभाशाली इंसानों के बारे में जानने वाले हैं, सो गेट रेडी टू सरप्राइज। उससे पहले आप हमारे यूनिवर्स एडवेंचर इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को दबा देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। लेट्स बिगिन। क्रिस रॉबिन्सन एक ऐसा इंसान जो अपने सपने में भविष्य देख सकता है। सुनने में काफ़ी अजीब लगता है, शायद इस पर आप यकीन भी ना करें, पर यह बिल्कुल सच है मेरे दोस्त। इनकी भविष्यवाणियाँ इतनी सटीक होती है कि सरकार और खुफिया एजेंसी भी इनकी दी गई वार्निंग्स को नज़रअंदाज नहीं करती। क्रिस रॉबिन्सन अपने सपने याद रखने के लिए ड्रीम जर्नल मेंटेन करते हैं। जब भी कभी रात में इनको सपना आता है तो ये उठ के उसे इसी ड्रीम जर्नल में लिख डालते हैं और फिर से सो जाते हैं, और ऐसा वो बार बार करते हैं। ये वो समय था जब वो पहली बार सरकार की नज़र में आए। उन्होंने सपना देखा कि एक एयर शो के दौरान करतब दिखाते वक्त 2 प्लेन्स एक दूसरे से टकरा गए हैं, पर फॉर्चुनेटली दोनों पायलट समय पर विमान से कूद के पैराशूट खोल के आराम से ज़मीन पर आ गए और अपनी जान बचा ली। दूसरे ही दिन जब यह एयर शो होने वाला था तो उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कॉल करके उनके सपने और उसके सच होने की संभावना को जताया, पर सिर्फ किसी के सपने पर भरोसा करके एक इंटरनेशनल एयर शो को रद्द करने पर उन्होंने अपनी असमर्थता जताई। क्रिस इस एयर शो में अपने सच होने वाली भविष्यवाणी को देखने खुद पहुंच गए। एयर शो के दौरान वही हुआ जिसका डर था। इसी घटना के बाद से अथॉरिटीज क्रिस की हर एक वार्निंग को बड़ी गंभीरता से लेती हैं। 1990 में एक ब्रिटिश टीवी शो स्ट्रेंज बट ट्रू में क्रिस की मुलाकात ली गई, जिसमें उन्होंने अपने कई राज खोले हैं। एक अमेरिकन टीवी शो स्टैनलीज सुपर ह्यूमन में क्रिस को एक टास्क दिया गया। उन्हें बताया गया कि कल हम 12 अलग अलग जगह को विजिट देंगे, आपको बस ये सपना देखना कि कल हम कौन कौन सी जगह पर जाने वाले हैं और उन जगहों के नाम एक कागज़ पर लिख के एनवलप में डाल के हमें देनी है। क्रिस ने 12 में से 12 जगह बिल्कुल सही सही बता दी थी। उनकी इसी अलौकिक प्रतिभा को देख हर कोई हैरान रह गया। ली हेडविन जब 6 साल के थे तब वो अपनी नींद में चलते थे तथा नींद में ही पेंसिल से जमीन पर, दीवार पर, सीढ़ियों पर चित्र बनाते। ली की इसी बढ़ती आदत को देख उनके पेरेंट्स उन्हें एडिनबर्ग स्लीप क्लिनिक ले गए। उनकी इस आदत को देख डॉक्टर भी अचंभे में पड़ गए। ली की इस कला को देख डॉक्टर ने उन्हें प्रोत्साहित ही किया। सोते वक्त कागज पेंसिल उनके पास रखने की सलाह डॉक्टर ने उनके पेरेंट्स को दे डाली। अब ली नींद में ही बेहद खूबसूरत तस्वीरें बनाते, पर जब वो सुबह उठते तो यही तस्वीरें और इसकी खूबसूरती देख वो काफ़ी प्रभावित हो जाते। इनको विश्वास ही नहीं होता कि ये तस्वीरें उन्होंने खुद नींद में बनाई हैं, क्योंकि स्कूल में उनकी ड्राइंग्स को मिला सबसे अच्छा ग्रेड था डी, मतलब असल ज़िंदगी में वो बेहद ख़राब चित्रकार थे। नींद में बनाए गए चित्र वो असल ज़िंदगी में कभी भी नहीं बना पाते। महज 15 साल की उम्र में उन्होंने नींद में मर्लिन मुंडो का चित्र बनाया, जिसे हॉलीवुड म्यूजियम ने खरीद लिया। ली हेडविन के इस अजीबोगरीब प्रतिभा के पीछे का राज शायद ही कभी मॉडर्न साइंस बता पाए। एस्किल रॉनिंग्स बेकन। एस्किल को संतुलन का बादशाह कहा जाता है। अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से इन्होंने डर पर काबू पा लिया है। इनके कर्तव्य इतने खतरनाक होते हैं कि बस एक चूक और मौत का सामना तय। जानलेवा हालातों में खुद को डालना शायद एस्किल की आदत सी बन चुकी है। एस्किल दुनिया के अलग अलग और खतरनाक जगह पर जहाँ कोई खड़ा भी रहना नहीं चाहता वहाँ जाके स्टंट करते हैं, और वो भी किसी भी सेफ्टी के बिना। एस्किल का सबसे पॉपुलर कारनामा अगर कोई है तो वो है एक पहाड़ी से उल्टी बाइसिकल चलाना। जहाँ हर वक्त मौत का खतरा बना रहता है वहाँ इन्होंने 80 किलोमीटर पर आवर की गति से उल्टी बाइसिकल चला के एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इसलिए एस्किल दुनिया भर के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक है।